Sheila. We need some privacy. Free Melinda. That's all. Fine. अरे मैं ठीक हूँ, तू बड़ी है। पापा पहली नजर में कोई पहचान नहीं सकता यार, तुम लेकिन बहुत ही रिस्की है बेटा, यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था तुम्हें, किसी ने अगर पहचान लिया ना तुमको। आई नो भाई, अब बैठे मैं आपको सब बताती हूँ, प्लीज सिट डाउन। बाबा इस वक्त आपको ये बात बताना बहुत जरूरी था, कल ये लोग आपको यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं, एंड आई एम श्योर सत्या कोई चाल जरूर चलेगा। वो शांत है, इसका मतलब ये है कि वो कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। जब तक बेगुनाह प्रूव नहीं हो जाता हूँ यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगा, और जब तक बाहर नहीं जा पाऊंगा तब तक खुद को बेगुनाह प्रूव नहीं कर पाऊंगा। और सत्य और युग के होते हुए ना तुम इस तरह अंदर नहीं आ सकते हो, ऐसे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम आ रहे हो। तुम समझ रही हो, यू कांट जेपर्डाइज द एंटायर मिशन, खतरे में नहीं डाल सकते हो, तुम्हें मिशन पे फोकस करना है, इसलिए मुझे फील्ड पर होना चाहिए था बाहर। युग ने आपको यहाँ पे अंदर रखा है और बिना बेल के आपको बाहर नहीं निकाला जा सकता, और सत्या ये बात अच्छी तरह जानता है। साहिब, ये इन्वेस्टिगेशन आप अपने हाथ में क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर आप अपना जोर नहीं मारेंगे तो ये उसे डेथ पेनल्टी कैसे मिलेगी? यस, फिर पब्लिक क्या बोलेगी? भाव ने अपने भाई का बदला चुप तक किया, फिर तेरे और मेरे पे बिल फटेगी। देख अपने तन्मय का कैसे ना युग संभाल रहा है, तू बैठना शांति से बैठ, होने दे, जैसा प्रोसेस चल रहा है ना उस तरीके से होने दे, तू फिकर मत कर, उसको सजा मिलेगी और जैसा तू चाहती है ना वैसे ही सजा मिलेगी। तैयारी करते शोक सभा की, ठाट से विदा करेंगे अपने तन्मय को। कल आपको बड़ी जेल लेके जाएंगे तो उसका मतलब है सत्य आपको वहां पहुंचने से पहले रास्ते में या फिर वहां पहुंचने के बाद। अगर कानून हमारी मदद नहीं करेगा तो हम खुद अपनी मदद करेंगे। अबे यू आर राइट, आप सही कहते थे कि कभी कभी ना सच को बाहर लाने के लिए नियमों को मरोड़ना पड़ता है। क्या मतलब क्या तुम्हारा? बाबा जिस तरह युग ने मेरा इस्तेमाल किया आपको बाहर लाने के लिए, he bent the rules, right? So now it's time that we give him a taste of his own medicine. मैं अपने बाबा को आज रात ही यहां से बाहर निकालूंगी, एट एनी कॉस्ट। सही, ये घर तेरा भी नहीं है। सलाम चुप रुक। तुम अपने भाई के जाने से उदास हो, किसी और बात से नहीं, और तुम किसी के आने से नहीं पर किसी के जाने को लेकर तकलीफ में हो। अब खाना खाओ, अच्छा बनाया है पनीर, तुम्हारे आई को अच्छा नहीं लगेगा, पता चलेगा ना जेजाई बालन ने खाना नहीं खाया। खा।
और आयरा, क्या हो गया था कल? वो थीली भी लग रही थी। लगता है किडनैपर ने इसकी ठीक से खातिरदारी नहीं करी। अंकुश है ना, अभी उसके दिन भर गए, अब ऊपर जाने का टाइम आ गया है उसका। अभी बहुत फास्ट में जाएगा वो, तो कार्यक्रम खत्म होने वाला है। मुझे यकीन है उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। वो सब तो ठीक है लेकिन रिस्की है ये बहुत ही बेटा। आई नो बाबा, ये रिस्की है। हमारे पास बस एक ही रास्ता है, एक ही रात और एक ही मौका। बाबा कल वो आपको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे बड़ी जेल। पहले एक बार उन्होंने आपको यहाँ से शिफ्ट कर दिया, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और वो सत्या पक्का मौके का फायदा उठाएगा। वो आपको हार्म करने की कोशिश करेगा। एंड आई कांट लेट दैट हैपन बाबा। बेटा लेकिन ये सब होगा कैसे? मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है। कुड़का की अभी शाम के 7 बजे, मैं बाबा को यहाँ से रात के 2 बजे निकालूंगी। हमारे पास पूरे 7 घंटे हैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। तुम्हें पता तक नहीं चलेगा एकलव्य कि अचानक एक रात में क्या हो गया, कैसे हो गया। और योगी बैर कैसा चल रहा है? पूरा सब कार्यक्रम तहकीकात व्यवस्थित है ना? वो पुलिस अपना काम कर रही है, एक दो दिन में सब कुछ उगल देगा। उसके हाथ पैर तोड़ दो, सही पर डिग्री दो, जो कर सकते हो करो। उसकी चीखें मुझे यहाँ तक सुनाई देनी चाहिए। कुछ नहीं पापा, वो अंकुश की वजह से काफी परेशान। उसका नाम सुन के भी कांप जाती है। देखिए ना मामा, आप टेंशन मत लीजिए, एक दो दिन में तोते की तरह उगलेगा वो। उसका लंबा अंदर जाए नहीं, उसे मौत की सजा होनी चाहिए। मैं उसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ। तुम लोगों की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। 4 घंटे में तो मैं बाबा को जेल से बाहर निकालूंगी। ये क्या कर रहे तुम? छोड़ो मेरा हाथ। बैठो। तुम मुझे कोस लो, मुझे गालियां दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सत्या की वजह से तुम्हारी खून का एक कतरा भी नहीं बहेगा।
तुम पहले भी झूठ बोल रही थी और आज भी झूठी बोल रही हो। आज भी तुमने एक गुनहगार एक खूनी का साथ दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें यहां तुम्हारे पापा को। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.